रेफरेंस अगर आप कैरियोके यूज कर रहे हैं और आपका कोई फेवरेट सॉन्ग्स है और अगर आपका उसको फेवरेट सॉन्ग्स का ऑडियो ट्रैक कैरियोके प्ले करने के लिए नहीं मिल रहा है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट राइट टू गेट द सॉफ्टवेयर टू सेपरेट द ऑडियो आई मीन द वोकल्स फ्रॉम द म्यूजिक ट्रैक सो दैट व्हेन यू गेट द म्यूजिक ट्रैक यू कैन प्ले द कैरियोके. देर आर सॉफ्टवेयर अवेलेबल, लेकिन ये सब जो भी सॉफ्टवेयर है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोसेस वोकल्स फ्रॉम द म्यूजिक ट्रैक. अगेन अगर एक प्रोफेशनल लाइफ का एक अगर सिनेरियो में बताऊं, तो जब प्रोडक्शन हाउस में एक फाइनल फाइल आता है ट्रांसमिशन के लिए, तो वो फाइनल फाइल में ऑडियो यानी कि वोकल और म्यूजिक ट्रैक्स वो दोनों मिक्स रहता है. एंड व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ सबटाइटल फ्रॉम दिस मिक्स ट्रैक सिंगल म्यूजिक ट्रैक जिसमें आपको वोकल्स भी रहेगा, कोई म्यूजिक का ट्रैक्स भी रहेंगे, स्टीरियो ट्रैक्स रहेंगे या तो 5.1 ऑडियो रहेगा उसमें एम्बेडेड रहेगा, तो उसमें से जब आप AI या मशीन लर्निंग मॉडल को वो मिक्स फाइल प्रोसेस करने के लिए देते हैं, दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो मशीन लर्निंग मॉडल है जैसे टेलीस्ट्रीम का मैक कैप्शन या कैप्शन मेकर करके जो सॉफ्टवेयर है, व्हेन इट यूजेस दिस मिक्स म्यूजिक फाइल फॉर क्रिएटिंग स्पीच टू टेक्स्ट यानी कि फॉर क्रिएटिंग अ सबटाइटल और सबटाइटल डेटा, it is very difficult for machine learning model to separate the vocals from the music track. To overcome this issue, Deezer karke music streaming giant hai, usne ek splitter karke application introduce kiya. Ye splitter kya karta hai? Aapka jo mix file hai, usme se vocals aur music track ko completely segregate kar deta hai. Yani ki aapko ek track aur ek file milega complete vocal ka aur dusra jo file milega usme sirf audio tracks yani ki music tracks rahenge. उतना ही नहीं, अगर आपके पास डिफरेंट म्यूजिक ट्रैक है जैसे कि एक पियानो का एक ट्रैक है और एक जो है वो तबला का ट्रैक है और एक कुछ और हारमोनियम का अगर ट्रैक है, और अगर आपको ये ट्रैक्स डिफरेंट मिक्स म्यूजिक ये तीनों ट्रैक्स है वो अगर मिक्स फॉर्म में है और आपको इंडिविजुअल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रैक को सेग्रीगेट करना है, तो भी ये मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो सेग्रीगेट करके देगा. उसका इंस्टॉलेशन आप बोथ मैक और विंडोज मशीन में कर सकते हैं. विंडोज मशीन में इंस्टॉल करने के लिए एनाकोंडा पैकेज आपको पहले इंस्टॉल करना है और आपको पाइथन का सॉफ्टवेयर उसमें लगेगा एंड FFmpeg का लाइब्रेरी भी आप इंस्टॉल करके उसको आगे इंस्टॉल कर सकते हैं स्प्लिटर एप्लीकेशन को. स्प्लिटर एप्लीकेशन को यूज करना एकदम सिंपल है. आपको जो म्यूजिक फाइल है वो कमांड लाइन थ्रू स्प्लिटर और स्पेस और जो भी म्यूजिक का मिक्स म्यूजिक का फाइल है वो फाइल का नेम देना है और थोड़ी टाइम में वो एक प्रोसेस करके स्प्लिटर जो एप्लीकेशन है वो ये मिक्स म्यूजिक फाइल को प्रोसेस करके एक फाइल क्रिएट करेगा जिसमें सिर्फ वोकल रहेंगे और दूसरा फाइल में आपको सिर्फ म्यूजिक ट्रैक रहेंगे. उतना ही नहीं, अगर आप मिक्स ऑफ म्यूजिक ट्रैक है और आपको स्प्लिट करना है जैसे मैंने बताया हारमोनियम्स और मे बी पियानो, तो उसका म्यूजिक ट्रैक्स भी आपको एक अलग फाइल में मिल जाएगा. काफ़ी इंटरेस्टिंग है राइट. और जब आपको स्पीच टू टेक्स्ट एप्लीकेशन करना है और मैंने जैसे बताया प्रोफेशनल लाइफ में जब आपको अगेन मिक्स म्यूजिक से अगर आपको स्पीच टू टेक्स्ट करना है वो टाइम पर ये एप्लीकेशन बहुत ही यूजफुल हो सकता है. सो पहले आप जो आपका मिक्स ट्रैक है ये मशीन लर्निंग एप्लीकेशन थ्रू ऑडियो ट्रैक जो है वोकल ट्रैक जो है वो सेग्रीगेट कर दीजिए और देन वो सेग्रीगेट किया हुआ वोकल ट्रैक है वो आप मशीन लर्निंग का दूसरा जो मॉडल है जैसे कि मैक कैप्शन या कैप्शन मेकर एप्लीकेशन या गूगल का जो स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन एल्गोरिदम है वो मशीन लर्निंग को फीड करके आप उसमें से सबटाइटल बना सकते हैं. सो बस दोस्तों यही था एक छोटा सा वीडियो जो आपको मशीन लर्निंग मॉडल इन्फॉर्मेशन दिया मैंने. होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लगते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे यूट्यूब में लाइक बटन है उसको हिट कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू सून इन नेक्स्ट टेक्नोलॉजी अपडेट एपिसोड. टिल देन यू गाइज टेक केयर एंड सी यू सून. बाय बाय.